हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी हो रहे हैं सुबह के 7:30। तो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस, आज मॉर्निंग एकदम रेडी हो चुके हैं और आज की राइड के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और सबसे खास बात तो देखो, अपनी बैकग्राउंड पूरी चेंज हो चुके है। तो आज है हम एक नई लोकेशन पे। कल मैं शाम को भिलाई आ गया था और भिलाई आते ही कहाँ रुका, देखो भाई, राहुल भाई के यहाँ। अगर आपने देखे होंगे ना तो बैकग्राउंड से तो पहचान ही लिए होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, एक नई घाटी तैयार हुई है यहाँ पे छुई खदान गंडई एरिया में, तो आज विजिट करेंगे और हो सके तो आगे भी जाएंगे। सालेवार घाटी है, उसके बाद चिल्फी घाटी है। तो आज के जो वीडियो है ना, कंप्लीट वीडियो में आपको घाटी 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 देखने को मिलेंगे। और सीरियसली कहूँ ना तो आज की मौसम क्या तबाही हो रखी है, मतलब ऐसे मौसम में घूमने फिरने का तो अलग सा मूड बन जाता है। और घाटी एरिया मतलब हरी भरी जगह पे जाएंगे तो नज़ारे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो गाइस, बी रेडी इस वीडियो के लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होगा। और कोशिश करेंगे कि जो रास्ते में मिलेंगे ना उसको भी सही तरीके से एक्सप्लोर करने की, क्योंकि गांव एरिया है, मज़ा आएगा देखने में। और ऑलमोस्ट जो है मैं 1.5 साल बाद उस रूट पे जाने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब गोरमदेव गए थे ना तब उस रूट पे गए थे हम लोग। मॉर्निंग कौन पहुंच चुका है अभी, और इधर बड़ी मम्मी सो रही हैं क्योंकि अभी सवेरे का टाइम है और कूलर चालू है अभी। और जीजा जी पधार चुके हैं और इधर राहुल भाई देख लो तैयार हो रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ है। और निकलने का हमारे राहुल भाई पधार रहे हैं चाय लेके हमारे लिए। तो राहुल भाई चाय तगड़ा बनाते हैं एकदम। नहीं नहीं नहीं, बनाते तगड़ा है भाई। जीजा जी पहले ही ले चुके हैं टेस्ट। फाइनली हमारा जर्नी स्टार्ट हो चुका है और स्टार्ट होते होते ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं। मतलब देखो, सवेरे 6 बजे स्टार्ट करते करते और अभी 9 बज चुके हैं। और अक्सर यही होता है, मतलब जब भी कोई राइड प्लान करते हैं ना तो 1-2 घंटे तो इधर उधर होना ही होना है। तो अभी है हम लोग आर्यनगर में, आर्यनगर खोखा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं जेवरा सिरसा रोड पे। और आर्यनगर देखो, काफ़ी दिनों बाद आना हो रहा है तो पूरा डिफरेंट सा लग रहा है ये सारे जगह मेरे को। मतलब 2-3 साल हो गए यार इस एरिया पे आए, और जब से कोरोना हुआ है ना तो उस बीच में तो मेरा 2 ही बार इधर आना हुआ है। और ऐसा आना होता था कि मतलब आओ और निकलो वाला सीन होता था। तो ये देखो आर्यनगर कम्प्लीटली चेंज। यहाँ देखो बड़ी बड़ी दुकानें बन गई है भाई। यहाँ से सामने का नज़ारा देखो, नीलगिरी के पेड़ लगे हुए हैं, क्या खूबसूरत लग रहे हैं। और भिलाई सिटी के बाद तो यही एक तो हरा भरा जगह देखने को मिला, मतलब पेड़ ही पेड़। और नज़ारे तो अल्टीमेट आते हैं, व्यू देख लो। और साथ में ये दीवार जो लाल रंग दी है ना, उसके बाद तो नज़ारे अल्टीमेट है। कोई बगीचा वगैरह लग रहा है, काफ़ी सारे पेड़ है, आम के, जामुन के, जाम के, काफ़ी सारे पेड़ इधर काफ़ी दिनों बाद। और रूट तो काफ़ी बेहतरीन हो चुका है, मतलब रोड वगैरह अच्छी खासी बन गई है। तो एक अपडेट की तरह है, मतलब जो काफ़ी दिनों से नहीं आए ना उनके लिए एक अपडेट हो जाएगा, मतलब ये रूट लेके। और यहाँ से लोकेशन देखो क्या बेहतरीन सा लग रहा है, मतलब बीच से रास्ता निकला हुआ है और अगल बगल जो है पेड़ ही पेड़। और इधर आने के बाद देखो क्या बिल्डिंग वगैरह बन गई है यार, मतलब पूरा चेंज हो चुका है। इधर देखो बिल्डिंग, इधर खजाने वगैरह बनी हुई हैं। और देखो सामने भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है। और इस रास्ते में ना अभी तक मेरे को 2-3 पेट्रोल पंप नज़र आ गए हैं और सारे के सारे नए पेट्रोल पंप हैं। और इधर IIT बनने वाला है,
हो जाएगी। और देखो इधर भी बिल्डिंग्स बन रही है, ये जितने गांव है ना ये पूरा डेवलप हो जाएंगे। ये कुटेला भाग का एरिया में आता है, ये सारी जगह है। तो देखो इधर आईआईटी के बिल्डिंग्स वगैरह बनना स्टार्ट हो गया है। और मैं जैसे कि बोल रहा था कि 1-1.5 साल करीब हो गया इधर आए, जब आया था ना तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट ही नहीं हुआ था ये सब बनने का। बट अब देखो 1.5 साल बाद आया हूँ तो कम्प्लीटली इस साइड देखोगे ना, इस साइड देखोगे तो इधर भी बाउंड्री मार के रखे हैं, इधर भी काम चल रहा है और इस साइड भी काम चल रहा है। और देखो ट्रकें वगैरह लगी हुई हैं, पूरा रेती भरी हुई है सब में। और इधर देखो क्या बिल्डिंग्स बन रही है, और देख के ऐसी अच्छा लगता है। मतलब जगह एकदम रूरल रहता है, ये तो गांव एरिया है और ऐसे डेवलप देख के ना बड़ा अच्छा लगता है। मैं बता रहा हूँ ये जो आईआईटी बन रहा है ना 400 कुछ एकड़ में ये बन रहा है, और एरिया देखो क्या जोरों से काम चल रहा है, एकदम सही है मतलब। और यहाँ पे है राइस मिल, और अभी धान की फसल हुई है ना तो अभी धान कूटने का काम चल रहा है। देखो चिमनी पे काला धुआं भी निकल रहा है और ट्रकें वगैरह भी लगी हुई है, और धान कूट रहे हैं ना तो जो धान के गरम गरम का खुशबू की बदबू जो भी बोलो काफी ज्यादा आ रही है अंदर से। देवरा सिरसा ये रहा, इससे राइट लेंगे हम लोग और निकलेंगे धमदा रोड। तो ये जो रोड नजर आ रही है ना ये दुर्ग धमदा वाली रोड है, और अभी हम लोग राइट टर्न लेंगे धमदा के लिए। और ट्रक देखो भाई, धमदा का पुलिस चौकी। तो आगे का अभी प्लान है कि धमदा से या तो हम लोग बेमेतरा जाएंगे या तो गंडे ही होते कवर्धा निकलेंगे। तो अभी दो रूट है और देखते हैं वहाँ से क्या डिसीजन होता है हम लोग का। अगर गंडे ही होते जाना रहेगा तो गंडे ही होते चलेंगे, या तो बेमेतरा होते जाना रहेगा तो बेमेतरा से चलेंगे। पर दोनों रूट सेम डिस्टेंस पे है, थोड़ा थोड़ा 5-10 किलोमीटर का फर्क है जो कि नेग्लिजिबल है, और काफी रश है रोड पे। आज ना रोड सच्ची बताऊं काफी ज्यादा रश है, मतलब भीड़ है काफी ज्यादा। और अभी हम लोग धमदा से लगभग 2-3 किलोमीटर बाहर आए हैं, और क्या खतरनाक, मतलब अभी तक रोड खाली नहीं मिला। और अभी जो नजर आ रहा है ना ये अब तक का सबसे खाली रोड है, और अभी तक जितना भी था ना काफ़ी रश वाला रोड था। और यहाँ हमारे साथ चल रहे हैं राहुल भाई, और आगे है द्विवेदी, और सब साथ में जा रहे हैं, काफ़ी मज़ा आएगा आज। आने के लिए देखने के लिए, और खास बात इस रास्ते पे ऐसे गाय बैल आपको काफी ज्यादा नजर आएंगे रास्तों के बीचों बीच। देख लो यहाँ पे भी इन्हीं का ठाक है भाई, तुम्हारा कोई रोल ही नहीं है मतलब। लाइन है एकदम काफी लंबी लाइन है, ये देखो ट्रक ट्रक ट्रक, ये
इधर से भी है और सामने से भी ट्रक्स नजर आ रहे हैं, शायद चेक पोस्ट होगा सामने। देखते हैं क्या है सामने भाई, यहाँ लगी हुई है ट्रक, यहाँ भी लगी हुई है ट्रक। यहाँ बगल पे कोई फैक्ट्री है और यहाँ पे लिखा हुआ है श्री सीता रिफाइनर्स प्राइवेट लिमिटेड, तो सभी को अंदर जाना है इसलिए यहाँ पे लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो सारी ट्रकें हैं वो लाइन में लगी हुई है और यहाँ से देखो बेमेतरा है 61 और धमदा है 20 किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट जो है धमदा पहुँचने में हमें आधा घंटा करीब लगने वाला है। नजर आ रहा है ना आपको, ये आपको सीधा पावर हाउस लेके जाएगा, फ्लाई पावर हाउस। पावर हाउस से ननकट्टी आते हैं ना तो आपको सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर पड़ेगा, अगर दूर साइड से आते हैं तो लगभग 20 से 25 किलोमीटर के अराउंड पड़ेगा। तो दोनों तरफ से शॉर्टकट ही है, मतलब ग्रुप से भी आओ तो लगभग वही अराउंड 1 किलोमीटर पड़ता है और पावर हाउस से आओगे तो थोड़ा सा कम पड़ जाता है, थोड़ा सा सीधा रूट है और काफ़ी बढ़िया जगह है। और जंक्शन पॉइंट है तो मार्केट काफ़ी अच्छा है, मतलब जहाँ भी जंक्शन पॉइंट रहता है वहाँ पे मार्केट थोड़ा सा डेवलप ही रहता है क्योंकि चारों तरफ से लोग आते हैं तो मार्केट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं। और यहाँ देखो काफ़ी दूरी तक मतलब पेड़ ही पेड़ यार, इस रास्ते पे क्या एक्सप्लोर करने का, मतलब पेड़ ही पेड़ हर तरफ रास्ते के किनारे किनारे पेड़ ही पेड़। जाओगे ना तो आपको क्या नज़र आएंगे, मतलब ऐसे खूबसूरत खूबसूरत खेत जिसमें अभी फसल होने को है, नांगर फल चल चुके हैं, सड़कें खूबसूरत खूबसूरत, लोग गाँव में बस यही मिलते हैं, मतलब आप आओगे तो आपका दिल खुश होना है। और इस रास्ते पे क्या है तो करना, हर तरफ पेड़ ही पेड़ है भाई। गाइस मेरे लेफ्ट साइड में देखो क्या स्ट्रक्चर बनी हुई है, और गाइस ये है पावर ग्रिड बनी हुई है और पीछे काफी बड़ी स्ट्रक्चर हमें देखा है, सब तो आरे बीच हुई है, खंभे लगे हुए हैं, टावर ही टावर, ये क्या खतरनाक लग रहा है भाई। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं कोई मेड़ेसरा करके जगह है और यहाँ पे ना रास्ते पे आपको काफी छोटे छोटे गांव मिलेंगे, मतलब हर 1-1.5 किलोमीटर पे कोई गांव मिलने ही वाली है, मतलब ऐसा आप खाली रास्ते पे नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ गांव जो है रास्ते के किनारे बसी हुई है छोटी छोटी हर 1-1.5 किलोमीटर में। तो यहाँ से है धमदा मात्र 8 किलोमीटर और यहाँ दो रास्ते हैं, एक राइट की और एक लेफ्ट की ओर, तो धमदा के लिए हमें लेफ्ट जाना है, अगर राइट जाते हैं ना तो आप सीधा रायपुर चले जाएंगे या तो नंदनी आहिवारा। और तो यहाँ पे रोड भी है, मतलब रोड था अभी नहीं है, देख ले ये रास्ता आपको सीधा नंदनी आहिवारा लेके जाएगी। और यहाँ से देखो धमदा 7 किलोमीटर, गंडई 42 किलोमीटर, कबीरधाम 84 और बेमेतरा है लगभग 54 किलोमीटर ऐसा कुछ। और यहाँ से धमदा है मात्र 4 किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट जो है हम लोग पहुँचने वाले हैं और आज की राइड काफ़ी लंबी राइड होने वाली है, ऑलमोस्ट हमें शाम हो जाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें जो है प्लानिंग करके रखे हैं। तो आज के जो फुल डे का ब्लॉग है ना वो आपको पार्ट पार्ट में ऐसे देखने को मिलेंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग धमदा पहुँच चुके हैं और धमदा यहाँ से हो गया है स्टार्ट, और यहाँ पे देखो यार बारिश हुई है ना जिसके कारण रोड के किनारे ऐसे पानी भरे भरे नजर आ रहे हैं, और गाय बैल जैसे ही धमदा एंटर किए गाय बैल देखना फिर से स्टार्ट हो गया रोड के किनारे, और ऐसे देखो कितने सारे बैठे हुए हैं भाई। तो ये ना तो रात में थोड़ी सी डेंजर वाली बात हो जाती है क्योंकि सामने से कोई गाड़ी आती है फ्लैश होती है, तो रोड में अगर गाय बैल तुम्हारे रोड में बैठे रहेंगे ना तो नजर ही नहीं आएंगे, तो एक्सीडेंट होने का थोड़ा सा डर रहता है, बट देर में कोई नहीं, थोड़ा सा देख लोगे देख ताके चले जाओ। और मैं पर्सनली कहूँ ना तो थोड़ा सा
देखता के रहता हूँ अगर रास्ते में ड्राइवर रहते हैं तो। ये रहा तो हमारा शहर प्रॉपर स्टार्ट होता हुआ देख लो, तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। मतलब ऐसे 2 साल बाद मतलब हर जगह एकदम चेंज ही नज़र आ रहा है। जैसे हमने जीवरा सिरसा देखा, कुटेला फाटा देखा, IIT बन रही है, ऐसे यहाँ पे धंधा भी काफ़ी चेंज नज़र आ रहा है, पूरा डिफरेंट। और लास्ट टाइम आए थे ना तो हम लोग यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट किए हुए थे, और ये रहा प्रॉपर धंधा सिटी शर्मा सुपर मार्ट। देखो बेचारे पूरा रास्ते के बीचों बीच बैठे हुए हैं, तो ऑलमोस्ट जो है पूरा मार्केट ओपन हो चुका है। और अभी 8 बजे हो गया मेरे ख्याल से मार्केट ओपन होने का टाइम, पहले 6 बजे कुछ 5 या 6 बजे ऐसे था, और अब 8 बजे हो गया है, और भी संडे को भी ओपन रहेंगे अब, अच्छी बात है। तो यहाँ से जंक्शन आता है जिससे आप गंडई के लिए लेफ्ट जाएंगे, बेमेतरा के लिए सीधे चलेंगे, और ये देखो यहाँ से है गंडई 34 किलोमीटर, सिलहाटी 48, कबीरधाम 77, भोरम देव है 93 किलोमीटर, और इधर है बेमेतरा। बेमेतरा होते हुए भी आप कबीरधाम जा सकते हैं और भोरम देव जा सकते हैं।